तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज़ लाइव। बेटी के जन्म लेने पर मुफ्त होगा इलाज, छत्तीसगढ़ के इस अस्पताल ने लाई अनोखी मुहिम। छत्तीसगढ़ में रायपुर के बालाजी अस्पताल को 12 साल पूरे होने के मौके पर अस्पताल ने एक अनोखी पहल की है। यदि अस्पताल में किसी महिला को लड़की पैदा होती है तो उसमें होने वाला कोई भी खर्चा परिजन को नहीं देना पड़ेगा। यह पूरा खर्चा हॉस्पिटल प्रशासन खर्च करेगा, चाहे महिला की डिलीवरी नॉर्मल हो या सीजेरियन। जहां एक तरफ सरकार महिलाओं को लेकर कई तरह की योजनाएं चला रही है, वहीं इस कड़ी में रायपुर के बालाजी अस्पताल ने बिल्कुल अनोखी पहल की है, जिसे हर तरह सराहा जा रहा है। हॉस्पिटल में मेडिकल डॉक्टर देवेंद्र नायक का कहना है कि सरकार महिलाओं के लिए कई तरह की अभियान चला रही है। अगर ऐसे में अस्पताल प्रबंधन इस तरह कुछ मदद कर सकता है तो उनकी तरफ से इस तरह की स्कीम बेहद उपयोगी साबित होने वाली है। हॉस्पिटल को 12 साल हो गए हैं। यदि समाज आपको इज्जत देता है, सम्मान देता है और एक प्रतिष्ठित स्थान पर पहुंचाता है तो आपका भी कर्तव्य होता है कि आप समाज को वही वापस करें। यदि किसी गर्भवती को लड़की पैदा होती है उससे इलाज का एक भी रुपया नहीं लेंगे। अस्पताल में बेटी को जन्म देने वाली एक युवती सीमा वर्मा का कहना है कि मेरी अभी तो बेटी पैदा हुई है और मुझे इलाज के लिए भी एक रुपया नहीं देना पड़ा। इस तरह की योजना का लाभ लेकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक का कहना है कि यह बहुत ही अच्छी पहल है और इसके लिए बालाजी हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर डी नायक को बधाई देती हूँ, जिन्होंने बेटी के जन्म को एक उत्सव के रूप में तब्दील कर दिया। बेटी किसी पर भी बोझ न बने और लोग बेटियों को जन्म को लेकर त्योहार की तरह मनाए और बेटी के जन्म से किसी भी खर्चे में डूबने से उनको डर ना लगे। इस संदेश को समाज में फैलाने के लिए और ये नेक काम करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।